गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बिल्कुल सभी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे हमारी जो वीडियो हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनका। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी के बिल्कुल उसी जोश से लगे रहिए जैसे कि ऑफलाइन क्लासेज होती हैं अपनी, उस प्रकार से कि आप डेली स्कूल आ रहे हैं और डेली आपको होमवर्क करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि छुट्टियाँ चल रही हैं, कोई किसी तरह की कोई छुट्टियाँ नहीं है। और गवर्नमेंट के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और वो गाइडलाइन क्या है, तो संभवतः ये है कि 1 अक्टूबर से आपके स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि 1 सितंबर से जो नई गाइडलाइन आई है उसमें क्या कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, कुछ नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए स्कूल में आ जा सकते हैं 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं वो। ठीक है, तो संभावना ये है कि अब धीरे धीरे स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। सो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है उसके पीछे अपनी मेहनत करते रहिए और क्लासें जो हैं इन क्लासों को बिल्कुल अच्छी तरह से केयरफुली और एक डेडिकेट होके कि हाँ मुझे जो है अच्छा पढ़ना है और जितना टीचर्स मेहनत कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी है। ठीक है, सो आज लेट्स बिगिन क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है जो कल हमने छोड़ा था, मैं बता रहा था कि जो अपनी जो सेल वॉल होती है उसके 3 लेयर्स होते हैं। तो अपनी जो क्लास है ये 11th क्लास है और वो है इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हुए हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कल जो है एक वीडियो जो है हिंदी मीडियम का ज़्यादा है और एक इसका कम है, सो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम पढ़ा रहे थे सेल वॉल। ये तो आप जानते हैं कि सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं इसको हिंदी में बोले तो, और एक सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाई जाने वाली एक आउटर लेयर होती है। ओके, क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है जो कि सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर उसे यानी कि सराउंडेड करती है, उसे चारों ओर से घेरने का कार्य करती है। हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि सेल वॉल जो होती है एक्चुअल में वो मिडिल लैमेला, एक तो ये होता है, दूसरा होती है प्राइमरी वॉल और तीसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, क्या होती है? सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ये 3 स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती हैं। अब हम पहले आप इसे लिख लीजिए कि मिडिल लैमेला क्या है, इसके अंदर हम अगर हम नोट करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, मिडिल लैमेला सबसे पहले बनने वाली स्ट्रक्चर होती है जब सेल डिवीजन होता है। हालांकि बुक में इस तरह का विवरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब एक कोशिका डिवाइड होती है, ठीक है, जब कोई भी सेल्स जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है। डियर स्टूडेंट्स, तो डिवाइड होती है तो जो सबसे पहले बनने वाली जो ऑल ऑफ फर्स्ट मेड स्ट्रक्चर जो होती है, सबसे पहले बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर मिडिल लैमेला होती है। और मिडिल लैमेला का जो निर्माण होता है यानी कि उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला मेड अप बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसके द्वारा? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर आप नोट क्या करेंगे, मिडिल लैमेला में आप नोट कर सकते हैं कि द मिडिल लैमेला इज ए लेयर, द मिडिल लैमेला इज ए लेयर, एक क्या होती है, परत होती है जो किसकी बनी हुई होती है, ठीक है, मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, मेनली किसकी बनी होती है, ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है लेकिन ज्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम पैक्टेट उपस्थित होता है। काम क्या करती है, विच होल्ड द डिफरेंट, विच होल्ड डिफरेंट
नियर बाय सेल्स, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं नेबरिंग सेल्स लिख सकते हैं, नियर बाय सेल्स, नेबरिंग ही लिख लो, नेबर, NEIGHBOURING, नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ओके, क्या कहा गया है कि मिडिल लैमेला जो होती है, जो कि किसके बनी हुई है, मेनली जो आपको ध्यान रखनी है वो ये चीज होती है, ठीक है, किससे निर्मित होती है, कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा, और विच होल्ड डिफरेंट नियर नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो कि दो आसन्न जो कोशिकाएं होती हैं, दोनों आपस में जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को आपस में होल्ड करने का कार्य करती है, उन्हें ग्लू करने का कार्य करती है, उन्हें संलग्न यानी कि जोड़ने का कार्य करती है। जैसा कि अभी बताया था, ये जो दो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं के बीच में, ठीक है, तो नियर बाय जो सेल्स होती हैं उनको जोड़ने का कार्य कौन करती है, हमारी मिडिल लेमिला करती है, द सेल वॉल। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर और पाई जाती है, जिसे आप नोट कर सकते हैं, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक नया शब्द आया है आपके लिए, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि जो दो सेल्स होती हैं, उन दोनों सेल्स के मध्य में क्या पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये छिद्र ही क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, और इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से क्या होता है, एक सेल से और दूसरी जो सेल्स होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, या जो उनके आपस में जो कंपोनेंट होते हैं उनके, ठीक है, या कुछ आयंस वगैरह जो होते हैं उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो किस में पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या बताएंगे, प्लाज्मोडेसा कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल लेमिला में, ठीक है, या मोस्टली सेल वॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मिडिल लेमिला है। इसके पश्चात दूसरा जो है, नोट कर लीजिए इसको, प्राइमरी वॉल, द प्राइमरी वॉल आर कैपेबल होती है ये, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल, सक्षम होती है किसके लिए, ऑफ ग्रोथ, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि लगातार वृद्धि करती है, इसका जो निर्माण होता है इसका अर्थ समझ लीजिए कि ग्रोथ से मतलब क्या है, पहले कि द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि के लिए सक्षम होती है वृद्धि करने में, या ग्रोथ से अच्छा जो शब्द होता है वो मेरिस्टेम होना चाहिए था, ठीक है, कि जो प्राइमरी जो वॉल होती है वो मेरिस्टेम यानी कि अपने आप में क्या करती है, डिवीजन करने में सक्षम होती है, जिससे क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है उसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, उसकी जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है इसके द्वारा, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स होती हैं, मिडिल जो हमारी प्राइमरी जो वॉल होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, वे सेल्स कैसी होती हैं, कैपेबल होती हैं ग्रोथ करने में, ठीक है। अगर इसके निर्माण की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ, या दिस लेयर
मैडम ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, नोट कर लिए इसे। नंबर तीन जो है वो है सेकेंडरी वॉल, जो सबसे लास्ट में बनती है। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल क्या होती है? कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको नहीं लिखना है, आप इतना लिख सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल इज फॉर्मड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड किधर? इनर साइड, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ सेल, कि सेल के सबसे भीतर की साइड में बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी वॉल होती है। और किसके द्वारा बनती है ये भी आप नोट कर लेना। द सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल विच मेड ऑफ बाय, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, बाय किसके द्वारा बनी होती है? लिग्निन। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको। क्या होता है ये? लिग्निन होता है। सो ये हमारे सेल वॉल से संबंधित थोड़ा सा छूटा हुआ टॉपिक था, आपको ये नोट करना है। ज़्यादा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो मैं इम्पोर्टेंट आपको लिखवाते चल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है आपके लिए, और वो सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रत्येक उसके लाइन पे इम्पोर्टेंट ज़रूर मिल जाएगी, और वही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए हमेशा काम आएंगी, चाहे वो परीक्षाएं हैं, चाहे प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम है, हर जगह आपके वो चीज़ें काम आती रहेंगी। सो क्लास जो है उसे बिल्कुल पूरी कंप्लीटली देखना, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा स्किप कर करके थोड़ा सा आगे देख लिया फिर उससे थोड़ा सा आगे देख लिया, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है ना, गुड। तो डियर स्टूडेंट ये तो था हमारा क्या है, सेल वॉल। शायद आई होप आपने सभी ने ये सारी चीज़ें नोट की होंगी। और अब हम बात करते हैं सेल वॉल के पश्चात नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑर्गेनिल्स है, यानी कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिल्स की एक्चुअल में। ठीक है, और वो ऑर्गेनिल क्या है? नंबर एक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक डाल सकते हैं आप। ठीक है, क्रम डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या इसे शॉर्ट के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? ईआर। क्या लिख सकते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बला है आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो लिखना शुरू कीजिए, यूकैरियोटिक सेल्स रिवाइल करती हैं अपने आप को। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क या रेटिकुलम लिख सकते हैं, ऑफ ए नेटवर्क, या आप नेटवर्क की जगह रेटिकुलम भी लिख सकते हैं। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? जाल होता है। ऑफ ए नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर, ऑफ टिनी ट्यूबुलर, ठीक है, LAR, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म।
इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। कि जो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नियर बाय जो अपना जो न्यूक्लियस होता है उसके समीप क्या होता है कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ सूक्ष्म नलिकाओं का क्या होता है, जाल पाया जाता है। ये समझ लीजिए, नेटवर्क का मतलब यहाँ जाल से है, ये तो आप जानते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, रेटिकुलम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि क्या कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर किन में यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती हैं वो सेक्रेट होती हैं, फैली पड़ी रहती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ER लिख दूं, समझ जाओगे इसको आप। ठीक है, दैट इज क्या कहलाती है ये, दैट इज कॉल्ड ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डियर स्टूडेंट यही क्या कहलाती हैं, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, परिभाषा जो सो डेफिनेशन जो है वो क्या है। अब डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इसका डायोग्राम बनाते हैं। अब हम इसको नोट कर लीजिए, पहले परिभाषा को, उसके पश्चात हम डायोग्राम बनाएंगे। ठीक है, गुड। तो डियर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डायोग्राम की। तो डायोग्राम में पहले दो प्रकार के डायोग्राम, एक कच्चा चित्र में बनाने की कोशिश करता जो आपको नोट नहीं करना है। देखिए ये हमारी जो सेल्स होती है इसके अंदर बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है बताइए, ये क्या है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। ठीक है, अब ये जो केंद्रक होता है डियर स्टूडेंट, इस केंद्रक से यानी कि न्यूक्लियस से कुछ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू, फ्रॉम फिर से सुन लीजिए, फ्रॉम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन स्प्रेड रहती हैं। ठीक है, कुछ टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक, हमारी जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है यानी कि जो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ से और कहाँ तक फैली रहती हैं, सेल मेम्ब्रेन तक फैली रहती हैं। दिख रहा है आपको ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो यही क्या कहलाती हैं, यही क्या कहलाती हैं, ER कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ER कहलाती हैं। ठीक है, अब हम चित्र बनाते हैं इसका। हालांकि डायग्राम जो होता है वो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आपको यूं गोल गोल इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप मान लीजिए सही तरीके से बनाने की कोशिश करें तो हम मानते हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है, ये हमारा केंद्रक का एक छोटा सा पार्ट हमने दिखाया है आपको कि हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस पोर है ये इसके अंदर, जैसे मैंने बोर्ड के अंदर आपको बताएं इस प्रकार से, और यहाँ से जो है क्या निकलती हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो निकलना शुरू कर देती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आएगी। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही क्या कहलाती हैं, ER कहलाती हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो ER होती हैं इनके ऊपर दाने के रूप में इस तरह की संरचनाएं और पाई जाती हैं, इनकी व्याख्या भी हम करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, और आपको आनंद आने वाला है, आपकी ER जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ठीक है ना, वही क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा पुटअप किए जाते हैं। अब देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम बन गया ER का, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, कहीं आप ये सोच रहे हो पता नहीं क्या डायोग्राम होगा, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यही इस प्रकार का डायोग्राम, ठीक है, आपको नजर आएगा। अब ये तो हमारा क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है,
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। अभी मैंने एक चित्र के द्वारा आपको बता दिया था कि कहाँ से कहाँ तक फैली रहती हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, और यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर, हमारी सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप रह जाता है तो उसमें गोल्जी का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे जैसे मैंने छिद्र बनाए हुए हैं आपके सामने, ये वाले, ये छिद्र जो होते हैं न्यूक्लियस पोर कहलाते हैं, या केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस पोर या केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। इसके पश्चात ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर होती है जो कि आपको नजर आ रही है, देखिए इसके अंदर आपको दो तरह की संरचनाएं नजर आ रही हैं। एक तो हमने इस तरह की संरचनाएं बनाई हुई है, दूसरी इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं। 5 मिनट हो गया तो इतना बार लगा लो, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये चित्र समझा देता हूँ।